स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, चैप्टर थर्ड, पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में मैंने आपको बर्थ ऑफ द बैमर रिपब्लिक के बारे में बताया था कि ये बैमर रिपब्लिक का यानी जन्म कैसे हुआ। अब इसमें आज का हेडिंग है अपना द इफेक्ट ऑफ द वार, कि इस युद्ध का है ना क्या प्रभाव हुए, कि ये जो युद्ध था वो इसका डिवास्टिंग इम्पैक्ट हुआ, बहुत तगड़ा है ना, मतलब एक विस्तृत प्रभाव हुआ पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पर, पूरे संपूर्ण है ना महाद्वीप पर, बहुत साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से। मतलब इस युद्ध का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि है ना मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक रूप से ये है ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। और ये जो कॉन्टिनेंट था, ये जो महाद्वीप है, इसमें जितने भी क्रेडिटर्स थे, यूरोप है ना टर्न इनटू वन ऑफ द डिवोर्स, और है ना पूरा यूरोप है ना एक के रूप में है ना अस्तित्व में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य से जो इन्फेंट बैमर रिपब्लिक थे, जो शुरुआती के जो बैमर है ना लोग, गणतंत्र वाले लोग थे, ये ओल्ड एम्पायर पुराने साम्राज्य के पापों के बारे में है ना ध्यान देने लग गए थे, और जो रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वार, और जो है ना युद्ध का जो बोझ था उसको इन रिपब्लिक के ऊपर है ना उनको युद्ध के दोषी के रूप में उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया था। एंड नेशनल ह्यूमिलेशंस, और जो राष्ट्रीय मानवता की भावना थी, बाज फाइनेंशली क्रिप्टल्ड, वो है ना आर्थिक रूप से ना कुचल दी गई थी, फोर्स टू पे कंपेंसन, और इस प्रकार उनको है ना इसका हर्जाना देना पड़ा, देने के लिए बाध्य कर दिया था। दोज हु सपोर्टेड द बैमर रिपब्लिक, और वो व्यक्ति जो है ना बैमर रिपब्लिक के सहयोगी थे, जैसे सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, लोकतंत्र वाले, समाजवाद वाले कैथोलिक्स लोग थे, इनको है ना इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स, और इनको है ना जो संरक्षित जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके आक्रमण के है ना टारगेट आसानी से है ना इनको टारगेट बना लिया था। देवर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उनको है नवंबर का ना क्रिमिनल्स के रूप में है ना पुकारा जाने लगा था। और माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट, और सबसे बड़ा जो प्रभाव इसका पड़ा था इस युद्ध का, कि जो माइंड है ना वो विचलित हो गया था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930 का जो राजनीतिक विकास था, एज वेल विल सून सी, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जल्दी ही देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर एक लीव इम्प्रिंट यूरोपियन सोसाइटी, एक है ना यूरोप समाज के अंदर जो उनकी पॉलिटी थी, उनका जो सोल्जर्स थे, केम टू बी प्लेस एवर सिविलियंस, सोल्जर्स है ना वो सिविलियंस के रूप में है ना अस्तित्व में आ गए थे। पॉलिटिशियन जो राजनीतिज्ञ थे, जो पब्लिसिस्ट थे, प्रकाशिस्ट थे, इन्होंने ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मास्कुलाइन, इस प्रकार ये लोग है ना सहमति बनाने लग गए थे, मजबूत और है ना एक समूह के रूप में एक ग्रेट स्टेट इनके स्ट्रेस इनके ऊपर है ना बहुत बड़े तनाव में आ गए थे। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, इस प्रकार है ना मीडिया थे जो उसने भी है ना इसको एक ट्रेंच लाइफ, एक है ना परेशान भरा जीवन के लिए है ना ग्लोरीफाई किया था इसको। और ये सच था कि वो सिपाही जो लिव्ड मिजरेबल, जो कि ना दयनीय अवस्था में रहते थे, उनकी लाइफ इन दीज ट्रेंचेज, इन ट्रेंचेज से इंट्रैप्ड विद द रेड्स फीडिंग ऑन क्रॉप्स, मतलब वो है ना भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई थी। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, क्योंकि उन्होंने है ना उस जहरीली गैस का सामना किया था। एंड एनिमी सेलिंग, और है ना शत्रु की जो सेलिंग थी, उन शत्रुओं का, छुपे हुए शत्रुओं का सामना किया था। एंड ब्रिटनेस देयर रैंक्स रेड्यूस रैपिडली, और फिर उन्होंने ना अपनी जो रैंक थी उसके ना पतन का भी तेज़ी से ना सामना किया था। एग्रेसिव बार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, और इस प्रकार से ना ये इस युद्ध ने ना सहमति लोगों को दे दी थी।
वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रुप फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और इस प्रकार संघवादियों की जो तानाशाही थी हैड रिसेंटली कम इन टू बींग, वो इस प्रकार है ना अपने अस्तित्व में तेजी से आई, और डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, और इस प्रकार जो लोकतंत्र था वो वास्तव में एक छोटा और है ना एक घातक विचार है ना लोगों को सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक रिसेस। राजनीतिक जो रेडिकलिज्म था कि बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, जो वेमर रिपब्लिक का जो जन्म था वो कॉन्सिडर्ड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग द सेपरेस्ट लीग, तो जो क्रांतिकारियों की जो स्पार्टिस्ट जो लीग थी उसके उदय का ही है ना ये वेमर रिपब्लिक का जन्म होना था। पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और इसका जो पैटर्न था वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से, बोल्शेविक क्रांति थी जो रूस में हुई थी उससे प्रभावित था। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स, क्योंकि जो वर्कर्स थे सोवियत के एंड सेलर्स थे जो नाविक थे, उन्होंने ये स्थापित किया था मैनी सिटीज़ के अंदर, बहुत सारे शहरों में, कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो राजनीतिक वातावरण था बर्लिन के अंदर वो चार्ज, उस पर दोष लग गया था। विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, क्योंकि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग के हिसाब से दो अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, और इस प्रकार है ना इन समाजवादियों ने, इन डेमोक्रेट्स लोगों ने, इन कैथोलिक्स लोगों ने इस बात का विरोध किया। मीट इन वेमर, ये वेमर में इकट्ठे हुए, और टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जन्म दिया। वेमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार बेटनास ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स, और फ्री कॉप्स के रूप में जो पुकारा गया था एक युद्ध की मदद से इन्होंने ना उसको क्रस्ट उस अपराइजिंग को ना जो उदय हो रहा था उसको इन्होंने बुरी तरह से कुचल दिया था। पॉलिटिकल रेडिकल रेडिकलाइजेशन बाज ओनली हाइटेंड बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये आर्थिक धरातल के ऊपर जो कि 1923 के अंदर ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन ये अपने चरम ऊंचाई पर था। जर्मनी एंड फॉर द वार लार्जली, क्योंकि जर्मनी ने ना युद्ध को है ना बड़ी विस्तृत रूप से लड़ा था ऑन लॉन्स, जिसके लिए इन्होंने ना कर्जे भी लिए थे, एंड हैड टू पे वार रिपार्टेशंस इन गोल्ड, और सोने के रूप में इनको है ना युद्ध का भुगतान भी देना पड़ा था। दिस डिप्लेक्टेड गोल्ड रिजर्व से एट ए टाइम ऑफ द रिसोर्सेज वाज स्केर्स, इस प्रकार से गोल्ड है ना जो रिजर्व उनका भंडारण था वो है ना उनका समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था, और इन 1923 के अंदर जर्मनी रिफ्यूज टू पे, अंत में 1923 को है ना जर्मनी ने इसे अदा करने से मना कर दिया था, एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इस लीडिंग इंडस्ट्री एरिया, और बदले में फ्रांस ने इसका जो इंडस्ट्री एरिया था उसको है उस पर कब्जा कर लिया था। रूहर टू क्लेम देयर कोल, और रूहर ने ना इसके कोयले के भंडारण पर कब्जा कर लिया था। जनरली इस तरीके से जो रिलेटेड विद पासिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और जो प्रिंटेड पेपर करेंसी थी वो नेकलैक्स लिए वो बहुत ज़्यादा कम होती चली गई, और विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, इस प्रकार से है ना जो प्रिंटेड मनी था जो सर्कुलेशन के अंदर, वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, इस प्रकार जर्मन मार्क की जो वैल्यू है ना वो कम होती चली गई, और अप्रैल US के अंदर डॉलर वाज इक्वल 24,000 मार्क्स, और इस प्रकार है ना US के डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर पहुँच गई थी। जुलाई के अंदर 3,000 मार्क्स, और इन अगस्त के अंदर 4,62,01,000 मार्क्स इस प्रकार से, और 98 मार्क्स बाई द दिसंबर, इस प्रकार से है ना ये मार्क की कीमत है ना निरंतर गिरती चली गई थी। ये जो फिगर थे हैड रन इनटू द ट्रिलियंस, इस प्रकार ये फिगर जो है वो ट्रिलियंस 3 बार के अंदर है ना मतलब बहुत ज़्यादा है ना गिरते चले गए, और एज द वैल्यू ऑफ मार्क, इसका है मार्क की जो वैल्यू है ना वो कॉलेप्स्ड हो गई, जाम हो गई। प्राइसेज ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो वस्तुओं की कीमतें थी
वो तेज़ी से गिरती चली गई और द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी, और इस प्रकार से ने जो जर्मन्स लोगों की जो इमेज थी करेंसी के रूप में वो है ना बिल्कुल ही निगलेक्ट हो गई। लोफ ऑफ ब्रेड मतलब उनको है ना भूखे मरने की नौबत आ गई, रोटी का भी है ना उनको रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्क लाइट सिंपैथी, इस प्रकार पूरे संसार की सहानुभूति है ना उसके प्रति है ना जागृत हुई, और इस क्राइसिस से केम टू बी नॉन ऑफ द हिपरीफ्लेशन, और इस प्रकार से ना इनके अंदर एक पागलपन के दौरे के रूप में ना इनको जाना जाने लगा। इस सिचुएशन वैन प्राइसेस पर फिनोमिकल हाई, और इस प्रकार है ना कीमतें जो है ना वो आसमान को छूने लगी और इनका है ना करेंसी डाउन हो गई। अब आते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, कि ये जो वर्ष थे वो डिप्रेशन के थे, तनाव बढ़े थे। ये ईयर्स जो 1924 से लेकर के 1928 का जो समय था ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी था। ये इसमें ऑन सेंट ये फिर भी जो कहने धूल में भरा हुआ था। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म्स लोन्स, और इस प्रकार से जर्मन का जो इन्वेस्टमेंट था और जो इसका औद्योगिक थी वो केवल है ना छोटे छोटे लोन पर ही निर्भर थी, लार्जली फ्रॉम द यूएसए, जो कि यूएसए से उसने लिया था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन, और इस मदद को है ना वापस खींच लिया गया था। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के तहत क्रैश्ड इन 1929, जो 1929 के अंदर है ना ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ना, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक, ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ये संसार की सबसे बड़ा है ना भंडारण था। एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए, जो यूएसए के अंदर स्थित था ये। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, 13 मिलियन शेयर्स है ना बेचे गए थे, और दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इस प्रकार से ये बहुत बड़ा है ना आर्थिक है ना डिप्रेशन था ये जो शुरू हो चुका था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 वर्ष तक, बिटवीन 29 से 32 तक, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ, मतलब यूएसए की जो इनकम थी वो आधी हो गई थी। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज में ताला लग गया था, एक्सपोर्ट्स फेल और निर्यात बंद हो गया था। फार्मर्स पर बैडली हिट, किसानों पर है ना बुरी तरह से चोट पहुंची थी। एंड स्पेक्टुलेटर्स विड्रो देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और दर्शकों ने और उन्होंने है ना अपने बाजार से अपने धन को खींच लिया था। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन, इस प्रकार से इस रिसेशन का जो प्रभाव था इन यूएस इकोनॉमी पर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, इस प्रकार है ना पूरे संसार में है ना इसका इकोनॉमी का ना वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो गया, पतन हो गया। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट, और जर्मन की जो अर्थव्यवस्था थी वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, 1929 के है ना स्तर पर ये 40% रिड्यूस हो गया, कम हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, काम करने वाले लोगों ने अपने धंधे को खो दिया था। और वर पेड रेड्यूस्ड वेजेस, और उनके जो पासमिक थे वो बहुत कम कर दिए गए थे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टॉस्ट, और है ना बेरोजगार लोगों की संख्या है ना वो 6 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी, मतलब 6 लाख लोग है ना बेरोजगार हो गए थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी, और जर्मनी की जो गलियाँ थी, यू कुड सी मैन विद प्लेकार्स अराउंड देयर नेक्स, और इस प्रकार है ना अपने गर्दन के चारों ओर लोगों की भीड़ ये कहते हुए कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हमें है ना किसी कैसा भी काम है ना हमको देने की उनकी इच्छा है, इस बात की है ना तख्ती लटका करके अपने गले में है ना घूमते हुए लोग दिखाई दिए। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, बेरोजगार जवान, प्ले कार्स वो प्लेट का ताश खेलते हुए दिखाई दिए। सिंपली सेट ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स, या फिर है ना साधारण रूप से गली के कोनों में बैठे हुए दिखाई दिए। डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर है ना लोकल जो है बेरोजगारी का जो आदान प्रदान था उसमें है ना निराशा से लाइन में लगते हुए दिखाई दिए। एज जॉब्स डिसअपीयर, जैसे कि ये जॉब है ना गायब हो गई थी। द यूथ टुक टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज, और जवान है ना आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होते चले गए। एंड टोटल डेस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, और चारों तरफ निराशा निराशा हो गई थी।
ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज, इस प्रकार की जो आर्थिक जो स्थिति थी, अभिशाप था, इसने एक बहुत बड़ी चिंता को जन्म दिया और लोगों के अंदर भय को पैदा किया। द मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय, जिनको तनख्वाह के रूप में काम करते थे, एम्प्लॉयज थे एंड पेंशनर से या पेंशन भोगी लोग थे, सो देयर सेविंग्स डिमिनिश, तो इस प्रकार उनकी अपनी बचत को वो समाप्त करने लग गए। व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, क्योंकि करेंसी ने इन्हें अपनी वैल्यू को खो दिया था। स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो खुद के रोजगार वाले लोग, एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रूइंड, इस प्रकार उनका व्यापार वो नष्ट होता चला गया। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इस प्रकार के ये सोसाइटी के जो सेक्शंस थे, वर फिल्ड विद द फियर ऑफ द प्रोलेट रियनाइजेशन। प्रोलेटनाइजेशन से टू बिकम द इम्प्रोवाइज्ड टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, मतलब जो काम करने वाला जो वर्ग था उसका बुरी तरह से पतन हो गया था। एन एग्जाइटी ऑफ द बींग रेड्यूस, और एक प्रकार की चिंता ने जन्म ले लिया था। टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, काम करने वाले लोगों की वर्स स्टिल, बहुत बुरी हालत हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार लोगों की। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, केवल जो संगठित वर्कर्स थे, कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स, वो अपने हेड्स को और अपने जॉब को बचाने में सक्षम रहे थे। वाटर, पानी भी उनको अपने, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड, लेकिन जो बेरोजगार लोग थे वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए, और उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। बिग बिजनेस बाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े जो व्यापार थे वो भी क्राइसिस में थे, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ थी। द लार्ज मास ऑफ द पीजेंट्री बज अफेक्टेड, और विशाल रूप से किसान वर्ग भी प्रभावित हो गया था। ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेज, क्योंकि जो कृषि की जो कीमतें थी वो बहुत तेज़ी से गिर गई थी। वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रेंस, और औरतें जो थी वो अपने बच्चों को पेट को भरने में अयोग्य हो गई थी। बर फिल्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, और उनके अंदर एक गहरी निराशा से वो भर गई थी। पॉलिटिकल टू द वेमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, इस प्रकार वेमर रिपब्लिक की जो वो घातक सिद्ध हो गया था। द वेमर कंस्ट्रक्शंस हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, इसमें बहुत सारे दोष आ गए थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड बलूनेरेबल टू डिक्टेटर्स, और इस प्रकार से ये तानाशाही की ओर अग्रसर हो गए थे। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये इसकी एक प्रस्तुति थी। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाई वन पार्टी, इस प्रकार से इस मेजोरिटी ने एक पार्टी के रूप में ए नियर इम्पॉसिबल टास्क, एक असंभव कार्य को, लीडिंग टू ए रूल बाई ए कॉलोनीज कॉलियसंस, और इस प्रकार से कॉलियसंस के द्वारा या इसको आगे बढ़ाते चले गए थे। और अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, और इसका दूसरा दोष ये था कि आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज द एमरजेंसी, और इस आर्टिकल 48 ने राष्ट्रपति को ये पावर दे दिया था कि वो इमरजेंसी लागू करे, सस्पेंड सिविल राइट्स, जो सिविल अधिकार थे उनको सस्पेंड करे, एंड रूल बाय डिग्री, और नियम को डिग्री करे। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, इस प्रकार से 20 भिन्न भिन्न कैबिनेट्स देखे गए। लास्ट एक ऑन एवरेज 239 डेज, 239 दिनों के अंदर, एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, इस प्रकार से इसे इसको मैनेज नहीं किया जा सका। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस प्रकार लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं दिखाई देता था।